नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट और किशन, लेके आया हूं आपके लिए एक और पैकेज की अनबॉक्सिंग। तो जो पैकेट है यह हमें मिला है कॉमिक इंडिया की तरफ से, तो फटाफट से खोल के दिखा देता हूं आपको कौन कौन सी कॉमिक्स मिली हैं हमें इसके अंदर। चलिए, क्विक सी छोटी सी अनबॉक्सिंग रहने वाली है ये। तो दोस्तों हो गई है अनबॉक्सिंग, अब दिखा देता हूँ आपको कौन कौन सी कॉमिक्स मिली हमें इस सेट में कॉमिक इंडिया के। दो रबड़ लगा के भेजी है, ठीक है। तो सबसे पहली जो कॉमिक्स हमें मिलती है वो है ग्रेट अंगारा, और क्वालिटी के मामले में मैं यही कहूँगा ये वही सेम क्वालिटी है टेक्सचर वाली जो पहले पुराने सेट में थी। शायद अंगारा का ही कोई कॉमिक्स था डाइजेस्ट, उसमें थी। यहाँ पे अंगारा और ये जो भी नाम लिखा हुआ है ये सब आप देख सकते हैं। ये देखिए, ग्लॉस यूवी है लेकिन उतना ग्लॉस नहीं है जितना होना चाहिए, मतलब ये कुछ अलग तरीके की यूवी है। क्योंकि ग्लॉस यूवी जो होती है वो बहुत ज़्यादा चमकती है, लेकिन इसमें देखिए आप, ये देखिए उतनी चमक नहीं है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, तो ये पूरा जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा यूवी हो रखा है। नीचे का ड्रैगन यूवी नहीं है, ठीक है। पीछे भी तुलसी कॉमिक्स का जो लोगो है और ये जो पूरा बना हुआ है ये भी सेम वही ग्लॉस यूवी हो रखा है। तेरी ये अंदर क्या मिला है हमें, 20 नंबर का पेज एक्स्ट्रा मिला है हमें इसके अंदर। शायद 20 नंबर का पेज यहाँ पे मिसप्लेस हो गया होगा इसलिए ये अलग से डाल के दिया है। यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी शायद। बीस नंबर के पेज पर आई है शायद, तो ये देखना पड़ेगा क्या गड़बड़ हुई है। शायद ये पेज यहाँ पर मिस हो गया होगा तो एक्स्ट्रा दे दिया है। खैर, कॉमिक के साथ ही दे दिया, ये अच्छी बात है। और पेपर आप वही राज कॉमिक्स वाला पेपर नहीं है जो तुलसी वाले नॉर्मली यूज़ करते हैं कॉमिक इंडिया वाले, वही पेपर है ग्लॉस टाइप का। और क्वालिटी, अगर आर्टवर्क क्वालिटी की बात करूँ मैं तो आप देख ही पा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन आर्टवर्क क्वालिटी है। वही सेम जो कलर है इसको रीकलर किया गया है, लेकिन वही फ्लैट कलर यूज़ करते हैं और ये अच्छा भी है। जो ओरिजिनलिटी है, जो मौलिकता है वो बनी रहती है इससे। हाँ, सरकंडा, जम्बू की सरकंडा, ठीक है। तो ये तो जब मैं कॉमिक्स पढ़ूंगा उसके बाद पता चलेगा कि ये पेज एक्चुअल में है कहाँ का। उसके बाद में है अंगारा की, ये कॉमिक्स अंगारा और बलारा की राजकुमारी, उसमें भी सेम, इसमें भी सेम वही है। यहाँ पर ये चीज़ यूवी है और ये जो है ये मैट नहीं है, जो इस तरफ का पेपर है ना ये मैट नहीं है, ये थोड़ा प्लास्टिक सा फील देता है जो आजकल कॉमिक्स इंडिया वाले यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा टेक्सचराइज पेपर है ये भी, और ऊपर में अंगारा और बलारा की जो राजकुमारी है वो, और तुलसी कॉमिक्स का जो लोगो है ये सब वही सेम स्पॉट यूवी किया हुआ है। पीछे वही सेम अंगारा का एड दे रखा है, ठीक है। और आर्टवर्क की क्वालिटी वही ज़बरदस्त है, प्रदीप साठे जी का बेहतरीन आर्ट है। इसका नेक्स्ट पार्ट है अंगारा और बुलडॉग कलिंग। अच्छा, ये कोई नया कैरेक्टर लगता है जो आने वाला है, जिसका ऐड दिया हुआ है। और इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट अंगारा और बुलडॉग। अब इसमें कोई भी मैट वगैरह, इसमें ये मैट फिनिश में है, इसमें कोई भी यूवी वगैरह नहीं है। इन दो कॉमिक्सों में यूवी हो रखी है, इसमें यूवी नहीं है, ये प्लेन मैट फिनिश है जैसे कि नॉर्मली जो कॉमिक्स इंडिया की कॉमिक्स आती है वही सेम। तो ये इसका सेकंड पार्ट है, इसका बलारा की राजकुमारी का, अंगारा और बुलडॉग, ग्रेट अंगारा, ठीक है। तो अंगारा की ये कॉमिक्स हो गई। अब है जम्बू की कॉमिक्स, तो जम्बू के दिमाग का लुटेरा, ठीक है, प्रताप मलिक जी का आर्टवर्क है ये। इसमें भी सेम वही पेपर यूज़ हो रखा है जो कॉमिक्स इंडिया वाले करते हैं। जम्बू और दशानन इसका सेकंड पार्ट है। ये रही जम्बू और दशानन, ठीक है। और ये स्टोरी समाप्त है यहाँ पर। इसके बाद में है जम्बू और टुम्बकटू, पहले के ज़माने में अजीब गरीब नाम रखते थे कॉमिक्स हो गए, ठीक है। यह है
और ये सिंगल इश्यू है, समाप्त है कहानी। तो सभी की कहानी समाप्त है और ये वाली डाइजेस्ट है, ये वाली। उसके अलावा ये बाकी सारी 80 रुपीज़ वाली हैं और ये 120 रुपये वाली हैं। तो यही थी छोटी सी क्विक सी अनबॉक्सिंग। मुझे पैकेज रिसीव हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना अनबॉक्सिंग वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया जाए। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।